नमस्कार, आप देख रहे हैं कैंपस टीवी और मैं हूं सुखजीत। और आज मैं आपको मिलाने लगा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए हमारे खास मेहमान, जिनका नाम है उत्कर्ष चौधरी। और मैं बता दूं कि उत्कर्ष जी एबीवीपी से दिल्ली यूनिवर्सिटी से सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं और वहाँ के वाइस प्रेजिडेंट हैं। उत्कर्ष जी, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। तो उत्कर्ष जी, कैसा रहा वो सफ़र? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हमने, आप कह लीजिए, फर्श से अर्श तक का या सड़क से संसद तक का सफर था। बहुत लाठियां खाई, बहुत बार डिटेन हुए छात्रों के हितों के लिए, पर हमने उनकी लड़ाई लड़ना कभी नहीं छोड़ा। उनके हितों की लड़ाई लड़ी और ग्राउंड लेवल पे हमने काम किया, इसीलिए छात्रों का मैंडेट हमें मिला था। चलो, दिल्ली में तो खैर एबीपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, नो डाउट पंजाब यूनिवर्सिटी में ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके सीनियर्स हैं उनकी नज़र यहाँ के लोगों के ऊपर थोड़ी कम रहती है, उसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है कि नज़र कम है, हमारा पूरा जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर रहता है, पूरा हमारा कंसंट्रेशन यहाँ पर रहता है। पर यहाँ पर जो मैंने भी आकर के देखा, यहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बजाय गंदी पॉलिटिक्स होती है। चाहे झूठे वादे करना हो, स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ करना हो, और ग्लैमराइज चुनाव जिसे कहते हैं, फ्लैशी चुनाव लड़ना, और स्टूडेंट्स के हितों की तो यहाँ बात ही नहीं करता कोई। स्टूडेंट्स के बेसिक जो मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स के जो हक हैं, और स्टूडेंट्स की जिसे कहते हैं आम भाषा में कह लीजिए स्टूडेंट्स की हकों की लड़ाई, यहाँ पर कोई लड़ता ही नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए काम करने के लिए यहाँ कोई राजी नहीं है। तो इसलिए इस बार हमने बहुत जोर शोर से इनिशिएटिव लिया है कि इस बार हम पंजाब यूनिवर्सिटी में आकर के अपनी विचारधारा के साथ और सही तरीके से चुनाव लड़ें। कोई गलत काम हम नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का, जैसे यहाँ पे दुनिया भर के नशे बांटे जाते हैं, दुनिया भर का अल्कोहल यहाँ बांटा जाता है, पूरा हवाबाजी का यहाँ चुनाव होता है। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, ग्राउंड पे रह करके काम करेंगे और छात्रों में के बीच जाकर के काम करेंगे। अगर हमारी विचारधारा को, हमारे विचारों को और हमारी काम करने के तरीके को पसंद किया जाता है तो छात्र हमें मैंडेट अपना देंगे, अगर नहीं भी किया जाता है तो हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। नहीं, आपने अभी जैसे कहा, इस बार आपने कहा भी हम थोड़ा, मतलब उस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, भी जोर लगा रहे हैं ज़्यादा, है ना? तो क्या ये जोर एनएसयूई जीतने के बाद लगाना शुरू हुआ है कि उससे पहले से चल रहा है अभी? नहीं, ये जोर हमारा पूरे पिछले साल से चल रहा है कि किस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी में हम अपना कब्जा जमा सके और अच्छे तरीके से यहाँ पैर पसार सके। क्योंकि कई चीज़ें जो हुई, सबसे आघात करने वाली चीज़ हमारे लिए ये थी कि जो झूठा वादा यहाँ पे छात्रों के साथ हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे प्रकाश में आया कि पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें कि 76 डिपार्टमेंट हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद इसको सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला। पिछले साल कुछ छात्र संगठनों ने इसे सेंट्रलाइज करने का वादा किया और उसके बाद छात्रों से ऐसा मुंह मोड़ा, छात्रों के साथ जो विश्वासघात हुआ उसे देखते हुए हमारा दिल दहल गया। हमने कहा कि अब की बार ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे छात्र संगठनों को मुंह तोड़ जवाब देना है और इस बार उन्हें छात्रों की ताकत का एहसास दिलाना है कि छात्र ताकत क्या होती है, छात्रों की एकता क्या होती है। चलो हम बात करते हैं, क्योंकि मेरी ना उनसे बात हुई थी तो उन्होंने इस चीज़ का जवाब यह दिया। आप इस बात से कितना सहमत हैं कि सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड तकरीबन एक ही बात है? नहीं, देखिए, सेंट्रली फंडेड में क्या होगा कि उसको केवल सहायता सेंटर से मिल रही है, प्रशासनिक तौर पे और आधिकारिक तौर पे तो वो सेंट्रलाइज नहीं होगी, उसकी कार्यशैली सेंट्रलाइज तरीके से तो नहीं होगी। जिस राज्य के अंदर वो आ रही है उस राज्य, तो इसमें फर्क क्या होगा? केवल एड मिल रही है, वहां से पैसा आ रहा है, वो पैसा सही जगह लगे ही नहीं तो उसका फायदा क्या? काम पूरा चाहिए, पूरा होना चाहिए, अगर पैसा आएगा तो लगेगा भी उन्हीं के द्वारा जो लोग इतने कैपेबल हों कि इसके सुधार के लिए, इसकी बेटरमेंट के लिए काम कर सके। मतलब आप ये कहना चाहते हैं भी सेंट्रलाइज और सेंट्रली फंडेड दो अलग अलग चीजें? मैं ये कह रहा हूँ, सेंट्रली फंडेड में मैंने आपको डिफरेंस बताया कि सेंट्रली फंडेड में क्या चीजें होती हैं और सेंट्रलाइज में क्या चीजें होती हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार इसको अपने नियंत्रण में ले, इसको फंड करे और यहाँ पे आधिकारिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे अपना कब्जा ले। चलो, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में आज घूमे होंगे तो मतलब कौन सी चीज ऐसी लगी भी, हाँ यार, डीयू और पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा अंतर है इस चीज? मुझे कई लोगों को ये सुनकर बहुत बुरा भी महसूस होगा और काफी आघात भी होगा, पर जो चीज मुझे लगी, यहाँ का स्टूडेंट जो है जागरूक तो है
और अपनी चीज़ों को समझता है, अपने हकों को समझता है, पर उसके लिए लड़ता नहीं है। एक मजबूत नेतृत्व वो इस यूनिवर्सिटी को नहीं दे पाया है। ऐसा मजबूत नेता या ऐसे सक्षम लीडर्स इस यूनिवर्सिटी से नहीं उभर पाए हैं जो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़ें, उन स्टूडेंट्स की हक को, उन स्टूडेंट्स की आवाज़ को बुलंद कर सके। वो चीज़ मुझे यहाँ देखने को नहीं मिली। यहाँ केवल हवाबाजी की राजनीति, मतलब यहाँ आइडियोलॉजी की राजनीति तो हो ही नहीं रही है। आइडियोलॉजिकल टॉक्स हो ही नहीं रही हैं, आइडियोलॉजी की बातें हो ही नहीं रही हैं, विचारधारा गायब है। बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, लोग उतर रहे हैं, पोस्टरबाजी चल रही है, लिंगदो कमेटी का पूरा उल्लेख यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा किस नहीं, प्रकार आप पक्ष में हो जो लिंगडो नॉर्म्स आए थे, वो चाहते हो भी उस तरह के नॉर्म्स होने चाहिए आप? मेरा मानना है जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि इतना फ्लैशी चुनाव वहाँ पे होता था, इतना आप जानते होंगे इतना ग्लैमराइज चुनाव वहाँ पे होता था, अगर उनपे वहाँ पे स्टॉपिंग लग सकती है, उनके ऊपर पूर्ण विराम लग सकता है, वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे चुनाव हो सकता है और ये ग्लैमराइजेशन खत्म हो सकती है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी कम नहीं है। यहाँ पे भी ये ग्लैमराइजेशन, ये फ्लैशीनेस खत्म होकर के ग्राउंड लेवल का और आइडियोलॉजिकल चुनाव होना चाहिए। चलो अंत में हम ये बात करते हैं, आप DU के लीडर हो, है ना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को केवल एक मैसेज देना चाहता हूँ, इतना अच्छा कैंपस, मैं आपके कैंपस में आया, इतना वेल कनेक्टेड कैंपस, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना बड़ा कैंपस होने के बावजूद इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसको, इसकी देख रेख, इसको एक अच्छा, क्योंकि अगर इसको प्रशासनिक और आधिकारिक और वर्किंग तौर पे देखा जाए तो आज की डेट में ये जीरो है। छात्रों की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा, छात्रों के लिए कोई नहीं लड़ रहा। अगर इसको यूटिलाइज किया जाए तो आने वाले समय में पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस देश के नहीं वर्ल्ड के टॉप कैंपसेस में आ सकता नहीं, है। नहीं, आप कह रहे हो छात्रों के लिए कोई नहीं लड़ रहा, लेकिन आपका स्टूडेंट्स विंग भी यहाँ पर है, ABBP, तो वो क्या कर रहा है फिर? अभी हम जागरूकता तो फैला रहे हैं कि छात्रों के लिए हमें काम करना है, छात्रों के लिए क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या हमारी विचारधारा है। केवल हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर हमें पावर नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लीजिए, मैंने पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा था, आपको पता होगा कि वहाँ पे 3 साल के पाठ्यक्रम को 4 साल का कर दिया गया था, 4-year प्रोग्राम, काफी बहुत देर वो उस पर UGC ने उसको अप्रूव किया, उसको केंद्र सरकार ने अप्रूव किया, उसको वाइस चांसलर ने अप्रूव किया, उसके बावजूद वहाँ का स्टूडेंट इतना दुखी था। 90% स्टूडेंट, मैंने आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों से सवाल किया तो यहाँ पे 80-90% स्टूडेंट ने कहा कि ये बहुत ही बेकार कोर्स था, कि स्टूडेंट्स का एक साल बेमतलब में खराब किया जा रहा था। यही चीज, यही रिस्पॉन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से था, पर हमने जो चीज़ पूरे समाज को, सारे स्टूडेंट्स को, पूरी यूनिवर्सिटी को नामुमकिन दिखाई दे रही थी, उसके खिलाफ हम खड़े हुए। हमने स्टूडेंट्स के बीच में जाकर के इस बात को रखा कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में जीत करके आता है तो वो सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ेगा, पर 4 साल के प्रोग्राम को 3 साल का करा करके रहेगा। और ये पूरी दुनिया के आगे सामने आज ये बात है, जग जाहिर है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अथक प्रयासों से आज 2014 में वो 4 साल का पाठ्यक्रम फिर से 3 साल का हो गया। चाहे वो केंद्र सरकार हो, UGC हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, उसने छात्रों के आगे, छात्रों के हितों के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों के आगे और छात्रों के आगे घुटने टेक दिए। तो ये छात्रों की ताकत है, छात्र एकता की ताकत है। चलो उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्टूडेंट विंग है वो भी छात्रों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ज्यादा करेगा और इस यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा और छात्रों का सहयोग मिला तो हम इस यूनिवर्सिटी की काया पलट देंगे। चलो आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अगली बार किसी नए लीडर को लेकर फिर हाजिर होंगे। अब अपने सुखी को दें इजाजत और आप देखते रहें कैंपस TV। You miss nothing।